अभी ना जितना चीता उनका ना मैं मुलायम है। गरीबों का नौतर राष्ट्रीय ध्वज हमारे भगवान है, हम लोग भगवान मानते हैं। अभी आप धोती से नहीं जान रहे हैं, धोती से क्या हुआ है? क्या जो बोले वो बोले तुम पढ़ो, तो बोले नहीं भैया पढ़ेंगे भी प्रचार भी करेंगे, पहले नहीं तुम्हारे प्रचार करने का उम्र नहीं है। अरे लागू तो हाथ सुना ने समय आया भैया नमस्कार। न्यूज 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हाल ही में घोसी में उपचुनाव हुए, घोसी में जितनी चर्चा दारा सिंह चौहान की हुई, जितनी चर्चा सुधाकर सिंह की हुई और जितनी चर्चा अखिलेश यादव की हुई, उतनी ही चर्चा वहां पर एक 12 साल के अखिलेश यादव के जबरा फैन नवरतन यादव की भी हुई। अभी नवरतन कौन है, नवरतन को आप जैसे ही एक झलक देखेंगे पहचान जाएंगे। कहीं ना कहीं नवरतन को अखबारों की सुर्खियों में, सोशल मीडिया के वीडियोस में आपने जरूर देखा होगा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको नवरतन से रूबरू कराया जाए कि नवरतन का बैकग्राउंड क्या है, नवरतन क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो आज नवरतन हमारे साथ होंगे। नवरतन बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जी बहुत बहुत बधाई, असब तो बधाई। नवरतन हमने आपका परिचय तो कराया, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता हूं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि नवरतन यादव है कौन, परिचय दीजिए अपना। गरीबों के मसीहा तो सब है हमारे माननीय राष्ट्रीय जी। तो मैं गरीबों का नौतर हूँ, मैं गरीबों नवरतन जी। अपने आप को तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक कह के करते हो, तो समाजवादी पार्टी ही क्यों? समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है जो सब तो सम्मान देती है। यार नवरतन एक बात बताओ, तुम कई बार अखिलेश यादव से मिले हो, अखिलेश यादव भी तुमसे कई बार मिले हैं, क्या बात होती है तुम लोगों की? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे भगवान है, हम लोग भगवान मानते हैं। जो गरीबों से सेवा से उसको भगवान माना जाता है, तो बात होता है हमेशा मुलाकात होती है। बात क्या होती है जी? क्या बोलते हैं? बात तो करने वाली तो बात तो सबसे चलते है, पूरा जनता चलते, उत्तर प्रदेश भी चलते है। यार सबसे तो वो पार्टी की बात करते होंगे कि यहाँ पे कैसे मजबूत करना है, कैसे कितने मेंबर बनाने हैं, कैसे लोगों को जोड़ना है, क्या तुमसे क्या बात करते हैं ये जानना चाहता हूँ मैं। अभी आप धोती से नहीं जान रहे हैं, धोती से क्या हुआ है? तभी तो मैं जानना चाह रहा हूँ, घोसी की जीत के बाद सुधाकर, घोसी की जीत के बाद सुधाकर सिंह के साथ जाते हैं नवरतन। हाँ जी जी जी, समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी कभी झूठी नहीं है, झूठाने की काम करी है धोती में। तो समाजवादी पार्टी धोती में झूठाने की काम करी है, दूसरे का काम नहीं की है। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ, जब सुधाकर सिंह के साथ नवरतन यादव जाते हैं अखिलेश यादव से मिलने, अखिलेश यादव बड़े बड़े तोहफे देते हैं, साइकिल भी दी तुम्हें, सुनने में आया फोन भी एक गिफ्ट किया तुम्हें, खूब सारे गिफ्ट मिल रहे हैं तुमको। गलत बात है भैया, भैया पहले बात सुनिए। जी 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 जी, साइकिल नहीं मिली तुम्हें? साइकिल तो हमारा साइकिल तो मिला है। तो फिर इसको तो एक्सेप्ट करो ना, जो जो मिला है। साइकिल भी मिला है और गरीबों के लिए, मुखिया के लिए ये नया प्रत्याशी भी मिला है, ये नया प्रत्याशी भी मिला है धोती से। यार नवरतन एक बात बताओ, ये सब तुमने इतनी कम उम्र में बोलना कैसे सीखा नेताओं जैसे? नेताओं जैसे नहीं, जनता जैसे। आप वो बढ़ियन मजाक, जनता तो ऐसे नहीं बोलती है, आप भी बढ़ियन मजाक। जितने का भी ना जितना चीता उनका नाम मुलायम है, जितने का भी ना जितना
सीता। गा दीजिए इसे, दो लाइनें इसकी सुना दीजिए बढ़िया से। जुटाने का काम समाजवादी पार्टी चलती है, जुटने की काम नहीं करती है। गुड। एक बात बताओ, सुनने में आया कि अखिलेश यादव जब भी तुमसे मिलते हैं वो हर बार कहते हैं कि नवरत्न पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ा करो, तो फिर तुम पढ़ाई और हाँ तो यार ये तुम पढ़ाई और पॉलिटिक्स ये एक साथ फिर मैनेज कैसे करते हो, स्कूल जाते हो? हम भैया से बोले, वो बोले तुम पढ़ो, हम बोले नहीं भैया करेंगे भी प्रचार भी करेंगे, सर नहीं तुम्हारा प्रचार करने का उम्र नहीं है। हम बोले नहीं भैया हम प्रचार करेंगे, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, हर जने जो महिला के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हम बचाते रहेंगे। तो पढ़ाई और फिर पॉलिटिक्स दोनों मैनेज कैसे करते हो, प्रचार भी करते हो पढ़ाई भी करते हो, ये मैनेज कैसे होता है? अभी पेपर आना दीजिए, पेपर में फर्स्ट आधे दे साइन दे देख लीजिए था पेपर में। किस क्लास में हो अभी? अभी एयर पेपर पार हुए हैं, अभी एयर पेपर पार हो रहे हैं, दो तीन पेपर पास हो रहे हैं, अब लोकसभा भी पास हो जाएंगे। अच्छा, आगे क्या फुल टाइम पॉलिटिक्स ही करनी है, क्या करना है आगे बड़े होकर? बड़े होटल हम जनता का सेवक, जनता का मुखिया, गरीबों का मुखिया बनना चाहते हैं। चुनाव चुनाव लड़ने का मन है? चुनाव लड़ोगे? चुनाव नहीं लड़ने का मन है, चुनाव चुनाव हमारे राष्ट्रीय जज जी जो चाहेंगे उन्हीं की ढाल से हम चलेंगे। तो आप इतनी कम उम्र के हो, घोषी चुनावों के बीच कई बार आपके बयान वायरल हुए, कई बार आपने ओम प्रकाश राजभर को खुली चुनौती दे दी। तो हम जिसको बोलने का धन नहीं है और धोती में नादनी तो पैदा, जिसको बोलने का शौर नहीं है, ओम प्रकाश राजभर को तो जानते हैं ना। अरे पियर तो दमसिया वाले ना, पियर तो दमसिया वाले कौन धोती में पदला यार नवरत्न, इतनी इतनी कम उम्र के हो के ऐसे गंदी बातें नहीं करते किसी के लिए भी, कोई भी हो। मेन बात बड़ा बात सुनिए, बड़ा बात सुनिए जी, बात सुनिए जी जी जी, गंदी बात है जो हमारे माँ को बहन को गाली दिया जा रहा है उस पे आप नहीं बोले थी, गंदी बात है। ओम प्रसाद राजभर समाज से कहते हमारे माँ को बहन, हमारे माँ तो बहन तो गाली कर रहे हैं, अभी हम लिटौड़ी नवाब को भेज रहे हैं, क्या वो गंदी बात नहीं है? आप सवाल नहीं उठाते हैं, सवाल सही है, ये आपका नियम होता है। नवरत्न जिसने भी ऐसी बात करी वो बिल्कुल गंदी बात है और उसके तो हमने कभी इसको समर्थन भी नहीं दिया, हमने हमेशा इसका विरोध किया और जैसे जैसे जो बयान आए हमने उस पर सवाल भी पूछे। हमारी माँ तो बहन तो मेरे बहन तो डाली दिया जा रहा है, हमारे बहन तो छीजे खुलेआम डाली दिया जा रहा है, इसका कोई केस नहीं होता है क्या? किसने नवरत्न, नवरत्न किसने, नवरत्न किसने बोला, किसने बोला आज आप कैमरे पर बता दो, हम उनसे जब बैठेंगे तो बिल्कुल सवाल पूछेंगे सामने से। ओम प्रसाद जी अपने बिरादरों से कहते क्यों नहीं, हजारों से हमारे माँ को बहन को डाली दिया जा रहा है, डाली दिया जा रहा है, इसका आप सवाल नहीं उठा रहे थे, इसका सवाल आप देती है, हमारे माँ तो बहन तो काहे डाली दे रहे हैं। ठीक है, इसकी शिकायत आपने अखिलेश यादव जी से की थी, उनको बताया था आपने ये बात? पहला नंबर हमारा सरकार नहीं है, सफाइयों तुम्हारा जा रहा है, हम उनसे बता क्या करेंगे, बाबा जी को ऐसा अन्याय देखना चाहिए, बाबा जी देते हैं, ये हमारे माँ तो बहन तो काहे डाली दिया जा रहा है। आप चुनाव हार गए, आप चुनाव हार गए, आप में हिम्मत नहीं था तो आप मेरे माँ बहन तो डाली देंगे? ये बिल्कुल गलत है, ये आपको यूपी में सरकार जो भी है वो हमारी बिल्कुल जिसका नाम है ओम भाई कोमल भाई, हमारी टीम है, टैटू बनवाए सीने पे सब लोग, उनको भी डाली दिया जा रहा है, उनको तो वाला डाली दिया, हमारा तो माँ बहन तो डाली दिया। नवरत्न गालियों का इस्तेमाल, गालियों का इस्तेमाल मत करिए इस पे, राहुल भाई हमारा टीम है, टैटू टीम है, तब टैटू टीम खड़ा हो जाएगा ना, हम प्रसाद राजभर जी आएंगे अनु गाली दे रहे वो आएंगे नहीं, सवाल आप कर दीजिए ना, हमारी माँ तो ना बहन गाली नहीं दिया जाए।
बिल्कुल, ये जो भी कर रहा है बहुत ओछी हरकत है। नवरतन एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने अखिलेश यादव जी से इसकी शिकायत की थी, इनको बताया था ये बात? हम देखिए अच्छा जी, ये जो बात है हम बताए, हाथ पर चलता हो नहीं रहा है, क्या क्या गरीबों की सुनवाई नहीं होती, क्या हमारे माँ बहन को गाली दिया जा रहा है, क्या सुनवाई नहीं होती? इतना रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, इतना रिपोर्ट दिखाएगा, इस सरकार में आपको क्या क्या खामियां लग रही है मौजूदा योगी सरकार में, यूपी सरकार में? भैया हेलो जी 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 जी, वो गाली दे रहे हैं, ओम प्रसाद राजभर जी गाली दिलवा रहे हैं, तो हम और राजभर समाज गाली नहीं देते, हम तो ओम प्रसाद जी कहते गाली दिलवा रहे हैं, सुनते हैं नियम है, चुनाव हार रहे हैं, सुनते हैं नियम है, क्या नियम है वो बताइए? ठीक है ठीक है, वो बात तो आपने रख दी, मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार, आप बार बार कहते हो सरकार बदलनी चाहिए, क्या कमियां दिख रही है इस सरकार में? बहुत कमियां दिख रही है, बहुत कमियां, और जो हमारे टैटू बनवाए, हमारी टीम, जो हमारी टीम है वो कहीं जा रहे हैं, उनको धमकियां दिया जा रही है, हम तो हमारे माँ तो बहन तो दाढ़ी देते, हम तो धमकियां दिया जा रही है, हम गरीब आदमी ना, हमारे पास दाढ़ी है ना, तू हम पैदल चलते हैं, हम तो मार दिया जाएगा, तू चल दिया जाएगा, हम क्या करें, हम प्रसाद राजभर जी दाढ़ी करवा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जाते जाते मुलायम सिंह के लिए आप कई बार गाना गाते हो, वो उसकी दो लाइनें हमें सुना दो। अरे लागू तो हाथ सुना ने समय आया भैया, बनता है आना ने बधैया हो सपयाई, आई विरोधी अंते विरोधी अंते सपवाई हो सपाई, असियत जीत गंदला हराई हो सपाई, विरोधी अंते विरोधी अंते मथे में पहुंचाई बे हो सपाई। जी नवदन, बहुत बढ़िया गाते भी हो आप, तो अगर कभी पॉलिटिक्स से मन हटे तो आप गाने गाने में भी ट्राई कर सकते हो, सिंगर विंगर भी बन सकते हो। नहीं वो बात नहीं है, तो सिंगर नहीं बनना है, जय हिंद जय समर। ठीक है नवदन, थैंक यू सो मच।